A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Students, I'm Mr. Saeedullah Khan. Again, in front of you, okay, with a big difference with pronunciations of but and put. बहुत से बच्चों ने इसके क्वेश्चंस किए और कई क्वेश्चंस शुरू से आते रहे, तो मैंने सोचा, वैसे मेरा ये मूड नहीं था आज कि इसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत से बच्चों ने कहा कि जनाब इस पे सर इसको डिफरेंस को बताइए, तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं। गौर से सुन लीजिए, बट एंड पुट इसके ओरिजिन क्या है, इसकी प्रोनंसिएशन क्यों चेंज है, सुन लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली दोनों वर्ड्स इंग्लिश में एंटर हुए हैं और कहाँ से एंटर हुए हैं, इंग्लिश में जो है एक्सट्रैक्टेड है, फ्रॉम कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है, कहाँ से लिए गए हैं, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बट जो है ये जो है आपका जर्मैनिक वर्ड है, अभी पहले सुन लीजिए, फिर पुट जो है ये आपका डच वर्ड है। लेकिन देखिए, बट को जर्मैनिक ओल्ड लैंग्वेज में इंग्लिश में क्या कहते थे, देखिए बट यूज़ होता है एडवर्ब के तौर पर और प्रेपोजिशन के तौर पर। अब देखिए इसका यूज़, ओल्ड इंग्लिश में इसको बटन यानी बटन पढ़ा जाता था और BUTAN भी पढ़ते थे, बटन और बटन दोनों तरीके से ये ओल्ड इंग्लिश में पढ़ा जाता था। और फ्रॉम वेस्ट जर्मनिक बी उटन पढ़ा जाता था इसको। देखिए इस तरह ये वर्ड इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुआ और इंग्लिश में जब आया तो इसको उन्होंने क्या किया कि इन्होंने AN हटा दिया और बिल्कुल टन बट रख दिया। ओल्ड इंग्लिश में आया था, ओल्ड इंग्लिश में ON रिमूव कर दिया और मॉडर्न इंग्लिश में अब इसको बट पढ़ा जाता है, इसलिए इसका तलफ्फुज बट है, बटन है, बटन से है, ओके, और बटन भी है इसका वर्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है ओल्ड जर्मेनिक यानी वेस्ट जर्मेनिक के वर्ड बटन से वर्ड आया है, ठीक है, इसलिए इसकी ये प्रोनंसिएशन है। कुछ लोग इसकी प्रोनंसिएशन बड़ी अजीब और गरीब बताते हैं कि मींस इसमें कहते हैं वॉयल्स है, शॉर्ट वॉयल, लॉन्ग वॉयल्स है, कॉन्सोनेंट है, ये इसकी वजह नहीं है। अभी आप इसमें वजह देख लीजिए, रीजन इसकी ओरिजिन में आपको जो बता रहा हूँ बेटे, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एटोमोलॉजिकल डिक्शनरी से आपको बता रहा हूँ, उसमें मौजूद है, ये देख लीजिए। फिर हमारे पास वर्ड है पुट। पुट यूज़ होता है एज अ वर्ब, ओके, लेट ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, जो पुटिन से निकला है वर्ड, ये पुटिन ओल्ड इंग्लिश में कहा जाता है, IAN पुटिन, और फ्रॉम डच लैंग्वेज से, और ये डच लैंग्वेज से आया, डच लैंग्वेज में इसको कहते थे POTN पोटन, ठीक है ना, पोटन से निकला वर्ड है, टू प्लांट जिसके मीनिंग होते थे। अब ये वर्ड जो है इन्होंने जब इंग्लिश में लिया तो EN हटाया और O की जगह U लगा दिया, पुट कर दिया इसको, इसलिए इसकी तलफ्फुज पुट पड़ी जाती है, क्योंकि POT पॉट, ठीक है ना, पोटिन से था, पुट किया इसको, इस वजह से इसकी पुट पड़ी जाती है। और प्रीवियस जो भी मैंने बताया था, ये जो वर्ड हमारे पास था बट, तो इसकी BUT थी, इसलिए इसको बट पढ़ाया था, इसमें POT था, इसलिए इसको पुट पढ़ाया जाता था। ये जर्मनिक वर्ड है बट, और ये जो है डच वर्ड है, ठीक है, तो डच वर्ड में पुटिन पढ़ा जाता था, इसलिए इसको पुट पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, बड़ा छोट डिफरेंस था, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, इसको कन्वे कीजिए, आगे बढ़ाइए, इल्म है सब तक पहुँचाइए, अल्लाह ताला आपका भी हाफिज़ और नासिर हो, मेरा भी इंशाल्लाह। इस तरह के बहुत से डिफरेंसेज आपके सामने आएंगे विद रीजंस, मैंने इसका रीजंस आपको बता दिया और इसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है जो एटोमोलॉजिकल डिक्शनरी एटोमोलॉजी पर लिखी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह इसको मेरी चीज़ें मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।